हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस एंड इन द क्लास ऑफ सुपर फाइव टुडे वी विल डिस्कस लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक ओके लॉजिकल रीजनिंग इज अगेन वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज एग्जाम के अंदर आप ये कह सकते हो कि फिफ्टीन के नियर बाई क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड दिस इज द इजी पार्ट लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग भी है और साथ में ईजी भी है बट प्रैक्टिस मस्ट है क्योंकि तो अगर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें लॉजिक ईजिली माइंड में क्लिक करते हैं एग्जाम के टाइम में तो आज के क्लास के अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग हम डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपको हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है और जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की इन दैट केस क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे आपके पास में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन में आपके पास में एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए कोड गिवन है ठीक है अब हमने डिटेक्ट करना है कि ये जो एक पर्टिकुलर कोड है वो कैसे हुआ है है क्या यहाँ पे लगा है? जब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा है तो क्वेश्चन में जो गिवन वर्ड है उसका कोड हम सेम पैटर्न अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे ओके दिस इज द मेथड तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं आपने भी मेरे साथ में सॉल्व करना है देखना है कि कितना आपको आता है बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग की जब हम बात करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि हाँ हमें कोडिंग डिकोडिंग आता है ठीक है तो अभी आपने देखना है कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो डन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं फाइव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टूडेंट इज रिटर्न एज टीय टी डी एन ई एस ट की जो स्टूडेंट है स्टूडेंट का कोड यहाँ पे आपके पास में गीवन है क्या कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट का कोड है वो क्या है यहाँ पे एस टी यू टी एन टी ओके अब हरेक लेटर के लिए कोड चेंज हो रहा है देखो यहाँ पे इसके जगह पे क्या है यहाँ पे टी यू टी डी एन E, S. हाँ जी क्लियर अब देखो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि जो लेटर के अंदर कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा मीन्स कि जो नेक्स्ट जो लेटर है कोडिंग का जो लेटर है वो क्या हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है मीन्स कि जो लेटर का जो नंबर है उसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है That means कि कुछ प्लस हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है ठीक है या फिर क्या हो सकता है पोजीशन चेंज हो सकती है या फिर आपको क्या मिल सकता है लेटर की नंबरिंग भी चेंज हो रही है ओके और पोजीशन भी चेंज हो रही है तो तीनों पे ही प्रैक्टिस करनी है आपने अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है अब यहाँ पे एस से जा है टी तो हमारे माइंड में क्या आता है एस टू नेक्स्ट इज टी एस इज एट नाइनटीन पोजिशन इज एट ट्वेंटी क्लियर दैट मीन्स कि प्लस हो रहा है बट अगर हम आगे देखें तो टी के बाद में क्या आ रहा है यू और यहाँ पे यू ही है यू टी आ रहा है ठीक है अब थोड़ा सा लॉजिकली हमने सोचना है कि यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है अपने पास में जो लेटर्स हैं मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ देखो ये वाला लेटर यहाँ पे आ रहा है ये वाला लेटर यहाँ पे आ रहा है चेंज हो रही है ना पोजिशन ये जो टी है वो एज इट इज यहाँ पे आ गया यू हमारा एज इट इज यहाँ पे आ गया ठीक है और यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास में प्लस वन हो रहा था अब उसके बाद हम देखें तो डी तो सेम पोजीशन पे है डी एज इट इज है क्योंकि अगर हम प्लस वाला लॉजिक देखते हैं अगर यहाँ पे हम देखें कि टी यू एस टी यू ठीक है दैट मीनस की प्लस वन हो रहा है यहाँ से हमारे पास में माइनस हो रहा है फिर यहाँ पे जीरो हो रहा है अगर हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं तो ठीक है बट यहाँ पे देखें तो ई से एन काफी ज्यादा गैप है काफी ज्यादा गैप है तो दोनों लॉजिक यहाँ पे लग सकते हैं मैं आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन करवा देते कि हाँ चलो ये लॉजिक लगा ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ आपने कैसे लॉजिक फाइंड आउट करना है ओके बट पे देखें। फिर तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि ये तो यहाँ पे आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है कि का केस आ रहा है यहाँ पे पोजिशन चेंज हो रही है हमारे पास में ठीक है इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो एस हमारा यहाँ चला गया और टी हमारा यहाँ पे चला गया कि प्लस माइनस नहीं है यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में पोजिशन चेंज हो रही है ठीक है क्या हो रहा है आपके पास पोजिशन चेंज हो रही है क्लियर तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एस जो है वो यहाँ चला गया आपके पास में यहां से एस सीधा यहाँ पे चला गया और टी हमारे पास में Then, कोई माइनर सा डाउट लॉजिक क्लियर हो गया क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे हमारे पास में हाँ जी क्या लॉजिक लगा है हाँ जी तो देखिए लॉजिक यहाँ पे आपको मिल गया लॉजिक मिल गया नाउ यू विल अप्लाई द सेम लॉजिक अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है क्वेश्चन पे है आपके पास कि हाउ विल यू सोर्स बी रिटर्न इन दैट सेम कोड लैंग्वेज तो सोर्स को आप कैसे लिखोगे ओके okay? तो हमने सेम लॉजिक अप्लाई करना है क्या है हमारा लॉजिक देखें हमने यहाँ पे लिखा सोर्स एस ओ यू R C E एस डन अब वो क्या रहा है ये जो लास्ट लेटर है वो स्टार्टिंग में जा रहा है स्टार्टिंग लेटर लास्ट में जा रहा है और यहाँ पे क्या है? हमारे पास दोनों साइड में एस है That means कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एस ये वाला एस मेरा यहाँ पे आ गया ये वाला एस मेरा यहाँ पे आ गया ने? अब यहाँ पे तो दोनों सेम है अदरवाइज कुछ भी होगा तो आपने क्या करना है इनको पोजिशन को चेंज करना है ओके okay? उसके बाद क्या हो रहा था टू लेटर्स की पोजीशन चेंज हो रही तो तो हम भी यहाँ पे टू लेटर्स की पोजीशन चेंज कर देंगे इस तरह से दैट मीन्स कि ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा यू आपका यहाँ पे आ गया क्लियर देन मिड लेटर इज सेम तो यहाँ पे जो आर है वो सेम रहेगा अगेन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी ई e यहाँ पे आ गया, आ गया आपके पास में और सी यहाँ पे आ गया क्लियर आई होप सभी को क्लियर है तो ऑप्शन यहाँ पे चेंज अगर हम करें तो क्या आ रहा है

क्या लॉजिक यहां पे अप्लाई हुआ है यहां पे कह रहे है इसको आर एफ यू वी Q एन पी सी ओके एक तो सीधा ही हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या सी यहां पे चला गया एंड में ये आर हमारा यहां पे आ गया दैट मीन की जो एंड पोजीशन है एंड पोजीशन इज एक्सचेंजिंग क्लियर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड अब अगर हम देखें तो यहाँ पे है हमारे पास ओ यहाँ पे है एफ अगर हम गैप देखते तो यहाँ पे गैप भी बहुत ज्यादा बन रहा है सभी में इक्वल इक्वल का गैप नहीं आ रहा है फिर क्या हो सकता है अगर हम इधर से देखें नंबरिंग भी तो यहाँ पे अपने पास में क्या है ई e, ये है एफ मीन्स नेक्स्ट लेटर हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं आगे देखो बाकी का हो रहा है टी यू ओके यू वी पी क्यू एम एन ओ पी यस नाउ इज क्लियर क्या हो रहा है कि जो लास्ट है लास्ट एज इट इज एक्सचेंज हो रहे हैं लेटर्स लेटर्स और जो बाकी के है, वो पोजिशन भी चेंज हो रही है और साथ में क्या हो रहा है क्या रहे? आ रहा है नेक्स्ट लेटर आ रहा है ओके okay? तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ओ से क्या गया पी एम एन ओ पी क्यू आई होप क्लियर है क्या हो रहा है अब इसी तरह से अगर हम चेंज करना चाहते हैं इसको मेडिसिन तो मेडिसिन का कोड यहां पे आपको फाइंड आउट करने क्या है एम ई टी आई सी आई एन ओके तो क्या करना है पहले तो लास्ट को फर्स्ट पे फर्स्ट को लास्ट पे एम एम यहां पे चला गया और ए e, e हमारा यहां पे आ गया डन अब क्या करना है एक एक लेटर से शुरू हो जाए एन एन से नेक्स्ट ओ एन ओ आई जे सी टी आई जे डी एफ मीन्स नेक्स्ट लेटर ओके तो क्या बन गया आपके पास ई ओ जे डी जे ई एफ एम ईओ जे डी जे ई एफ एम दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हाँ जी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्या हो रहा है पोजीशन भी चेंज हो रही है और साथ में ही पोजीशन के साथ-साथ में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट लेटर है वो यहाँ पे ले रहे डन नेक्स्ट देखिएगा यस नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जेड इज इक्वल टू 52 इफ जेड इज इक्वल टू 52 एंड एक्ट इज इक्वल टू 48 देन बैट विल बी इक्वल टू व्हाट अभी अपने पास में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उस केस में क्या होता है कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन हो रही होती है बट हमें कैसे पता चलेगा कि क्या प्लस माइनस हो रहा है नंबरिंग कहां से आएगी तो सो द नंबरिंग कैन बी द फॉरवर्ड नंबरिंग और द बैकवर्ड नंबरिंग ऑफ ए लेटर इसलिए नंबरिंग सभी को याद होनी चाहिए कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे होता है ठीक है जैसे ए इज एट फर्स्ट पोजीशन बी इज एट सेकंड पोजीशन सी इज एट थर्ड पोजीशन इस तरह से तो सेम वे अगर हम देखते हैं तो जेड कौन सी पोजीशन पे आता है ट्वेंटी सिक्स पोजिशन पे अब हमें पता है कि जेड की पोजिशन क्या होती है ट्वेंटी सिक्स बट ये क्या कह रहा है इसको दिस इज नाउ वी थिंक की ट्वेंटी सिक्स से फिफ्टी टू कैसे बनेगा हाउ कैन वी जनरेट फिफ्टी टू कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन हाँ जी तो अगर हम 26 को डबल कर देते हैं टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दैट केस वी गेट फिफ्टी टू अब हमने चेक करना है कि क्या सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है अगर सभी जगह अप्लाई हो रहा है इन दैट केस द लॉजिक कैन बी अप्लाई ऑन द क्वेश्चन वर्ड ओके okay, तो अब यहाँ पे क्या है एक्ट हाँ जी ए ए इज एट थर्ड पोजिशन टी इज एट दैट मींस कितना हो गया आपके पास ट्वेंटी फोर अब यहाँ पे हमने क्या किया था डबल अगेन डबल करते अगर हम इसका डबल करते देन इट विल बी फोर्टी एट फोर्टी एट हेयर इट इज फोर्टी एट दैट मीन्स कि लॉजिक हमें मिल गया क्या लॉजिक है कि जो पोजीशन है पर्टिकुलर लेटर की जो पोजीशन है उन सभी पोजीशन को ऐड करोगे एंड आफ्टर दैट वी विल गेट ए नंबर और उस नंबर को क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे ओके okay? तो सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम बैट पे क्या है हमारे पास में वर्ड बैट बैट बी इज एट सेकेंड पोजिशन ए इज एट फर्स्ट पोजिशन टी इज एट ट्वेंटी बैट मीन्स क्या बन गया आपके पास ट्वेंटी एंड नाउ ट्वेंटी थ्री को अगर हम डबल करते हैं ओके क्लियर नेक्स्ट देखिएगा वाली टाइप भी इंपोर्टेंट है यस चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग कहते हैं इसको अब इसमें क्या है कि आपके पास में पहले क्या था एक वर्ड था उसके कोरोस्पॉन्ग कोड था फिर एक वर्ड था उसके कोरोस्पॉन्ग कोड था अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास में एक पर्टिकुलर सेंटेंस है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस के कोरोस्पॉन्डिंग एक कोड है और अब हमने फाइंड आउट करना है कि उस पट किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लिए क्या कोड होगा तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है या तो इंक्लूजन मेथड यूज करते हैं एक्सक्लूजन मेथड यूज़ करते हैं ओके इंक्लूजन एक्सक्लूजन मीन्स वर्ड कि हम ये देखते हैं कि क्या जो हमारे पास में वर्ड है हम पे तो क्या है थ्री ए टू बीवन सी मीन्स क्या है हमारे पास में यस दिस इज ट्रूथ इज एटर्नल ए एट बी थ्री ए मीन्स एंड माइटी इज नॉट एटर एंड नाइन ए फोर डी टू बी एट सी मीन्स ट्रूथ ड

एट बी यहाँ पे है नहीं है दैट मीन वर्ट एट बी जो है वो किसका कोड है आपके पास में एन माई टी का क्योंकि एन माइटी कहीं पे भी नहीं है क्लियर अगर हम फिर कहें कि जी मैडम क्यों नहीं चेक किया आपने यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या आ गया एट बी थ्री ए को भी चेक कर लीजिए अब देखो यहाँ पे जैसे अपने पास में थ्री ए थ्री ए यहाँ पे है थ्री ए हमारे पास में यहाँ पे भी है यहाँ पे भी दैट कि इन दोनों में जो कॉमन है कॉमन है दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कॉमन क्या थे दो वर्ड्स कॉमन थे एटरनल और इज और यहाँ पे इज और एटरनल ये दोनों कॉमन है क्लियर एट बी एक ऐसा कोड है जो जिसके कोरोस्पोडिंग जो वर्ड है वो दोनों में नहीं है क्लियर तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में एट बी कैसे फाइंड आउट किया यस एन माइटी इज हेयर दैट मीन्स द कोड फॉर एन माइटी इज ओनली प्रेजेंट इन दिस एंड हेयर इज द वर्ड Uh, code 8b which is only present in this code so 8b will be the correct answer Done. yes next dekhte hain fir next question hai yahan pe keh raha if if encrypt is coded as vm xibkg then how will be arc coded as अब यहाँ पे जब मैंने आपको coding and decoding बताया है ठीक है जब हमने आ, में किया है तो उस केस के अंदर आपको मैंने बताया क्या कि हर एक लेटर के आपको उसकी नंबरिंग पता होनी चाहिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबरिंग ठीक है साथ में ही हमें पता होना चाहिए कि हाँ किस को पर्टिकुलर लेटर के जो अपोजिट लेटर है वो कौन सा है ठीक है ना तो उसको देखते ही पता चल जाता है अब जैसे यहाँ पे है यहाँ पे हमारे पास में बन रहा है क्या एनक्रिप्ट वट इज द कोड वी एम एक्स आई बी के जी ओके आप देखो इन लेटर को देखते ही हमें पता चल रहा है मैंने आप लोगों को ई वी एन एम सी एक्स आर आई वाई बी पी के टी जी पर्टिकुलर वर्ड भी याद आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को ई e एनएम क्रैक्स इंडियन रेलवे वो याद आया कुछ कानपुर जीटी रोड मीन पर्टिकुलर वर्ड्स मैंने आप लोगों को याद कराया था तो, बट याद करने हैं कैसे मर्जी कर लीजिए आपको जो भी चीज मेथड लगता है ठीक है ना और दूसरी पहचान क्या है कि ये दोनों जो आ, हमारे पास में जो वर्ड्स हैं ये अपोजिट लेटर्स हैं यहाँ पे जो लेटर्स हैं ये जो कोड है इसका अपोजिट है कैसे पता चलेगा दोनों का जो सम है उनकी पोजिशन का जो सम है दैट शुड बी ट्वेंटी सेवन अब यहाँ पे देखो ये क्या है फाइव ये क्या है ट्वेंटी टू दोनों का सम करेंगे कितना बन रहा है ट्वेंटी सेवन ओके फोर्टीन थर्टीन ट्वेंटी सेवन थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन एटीन नाइन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन इलेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एंड सेवन ट्वेंटी सेवन दैट मीन की इन ऑल केसेस दिस इज क्लियर तो अगर आपको याद है लेटर्स देन वेल एंड गुड अगर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो बट याद जरूर करना है सभी ने ठीक है ना अब क्वेश्चन है आपके पास आर्क आर्क ए टू जेड ए का अपोजिट स्टार्टिंग में ए आता है तो लास्ट में क्या आता है अपने पास जेड ओके आर आर का क्या है i c का क्या है आपके पास x क्लियर तो आंसर क्या आ गया आपके पास जेड आई एक्स जेड आई एक्स हाँ जी कोई भी माइनर सा डाउट किसी भी क्वेश्चन में आई होप सभी को क्लियर है सभी को क्लियर है कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में हाँ जी सभी ने लाइक करना है सभी ने लाइक करना है शेयर करना है कमेंट भी करेंगे सभी और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी न्यू यूज़र हैं बिल्कुल तो स्टेप स्टेप बाय आप लोगों आपकी फुल प्रिपरेशन करवा रहे हैं स्टेप बायप स्टेप. जी हम हर स्टेप पे आपको कर रहे हैं कि हाँ जी आपने कैसे प्रिपेयर करना है क्वांट के कुछ टॉपिक अभी हमने करें अब हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के अब यहाँ पे देखो कि आपका पर्टिकुलर टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर है अगर कंसेप्ट क्लियर है देन क्या करनी है? करनी है है हमने प्रैक्टिस अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन दैट केस क्या करेंगे हम अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके लिए हम सिंगल सिंगल टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ये वाला टॉपिक प्रिपेयर कर लो ओके तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की अब कोडिंग डिकोडिंग के लिए अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो यस दिस इज द लिंक गिवन एंड सेम लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो वहां से आप लिंक को उठा सकते होके okay? तो यहाँ पे अगर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर इश्यू आ रहा है इन दैट केस यू कैन गो फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कोडिंग एंड डिकोडिंग के वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। कितने लेक्चर्स है सिक्स लेक्चर्स आ रहा बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोडिंग एंड डिकोडिंग है किसी भी तरह के आपको एग्जाम में मिल सकते हैं मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ यही आएगी बट हर तरह पे प्रैक्टिस करनी नाइन टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग आई इन दिस ओके यस सारी कोडिंग एंड डिकोडिंग यहाँ पे अवेलेबल है थ्री लेक्चर्स ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग अवेलेबल यू कैन ऑल्सो टेक ए थ्री मिनट ट्रैक वहां पे आप चेक कर सकते हो कि कैसा यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री वेब नोट्स आर अवेलेबल और इसके अलावा आपको फोर सेवेंटी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं

मेरा पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है या मुझे कंप्लीट की रिक्वायरमेंट है अगर मुझे कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है या मुझे के अंदर लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा तो उस केस में यू शुड गो फॉर द कंप्लीट कोर्स ठीक अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सिंगल सिंगल टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स मेरे रहते हैं इन दैट केस यू शुड गो फॉर द माइक्रोवर्सिस क्लियर हाँ जी आप कुछ स्टूडेंट्स को वैसे भी थोड़ी सी लॉग में भी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अपने पास में स्टार्टिंग में आपको एक बार लॉग करना पड़ता है ठीक है तो आप लॉग करोगे यहाँ पे आप अपना ई मेल या फोन नंबर फिल करोगे उसके बाद में यहाँ पे अगर आप फ़ोन नंबर फिल कर रहे हो तो आपका ओ आ जाएगा ठीक है ओ जब साइन अप स्टार्टिंग में आपने साइन अप करना है साइन अप के अंदर आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे डिटेल्स फिल करोगे योर नेम योर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर उसके बाद आप साइन अप करोगे एक ओटीपी आएगा आपके फोन पे आपने ओटीपी फिल करना है उससे आप लॉगिन कर लोगे एंड आफ्टर लॉगिन जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हो तो वहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड सेट कर लिया करो सो दैट कि बार-बार ओटीपी की, बार -बार की प्रॉब्लम ना आए नहीं तो अदरवाइज क्या करोगे लॉगिन के लिए आपको ओटीपी चाहिएगा एक पासवर्ड चाहिए होता है सभी को पता है नाउ यू आर इन स्टेज के हां हमें पता है कि कैसे हमने लॉगिन करना है साइन अप करना है तो

थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बने रहिए अभिमन्यु आईएस के साथ में थैंक यू